पैर के अगले हिस्से में लगे हैं कीड़े। और देखिए ग्रीन टाइप का ट्राइफोफोबिया रिमूव हुआ। और हमारा बड़ा वाला चाकू बड़े वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये बड़े वाले ट्राइफोफोबिया को हमारे छोटे वाले चाकू ने रिमूव किया। और हमारे हैंड वाले चाकू ने बेहद ही खतरनाक वाले कीड़े को रिमूव किया। और होल वाले ट्राइफोफोबिया को हमारे चाकू ने रिमूव किया। और देखिए काफी ही ज्यादा बेहद ही खतरनाक कीड़े को रिमूव हुए। क्रोमो वाला चाकू हमारे छोटे छोटे वायरस को रिमूव कर रहा है। और देखिए गोल्डन वाला चाकू दांत वाले कीड़े को रिमूव किया। रेतीला वाला चाकू भी बेहद ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया। और ये छोटे वाले होल वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा चिमटी जो कि रेड वाले कीड़े को रिमूव कर रहा है, इसको भी ये भी निकल चुका है। और ये लास्ट वाला, ये भी सेफ तरीके से पूरी तरह खत्म हो चुका है। आगे बड़ा वाला चाकू। और देखिए पुड के अगले हिस्से में बहुत ही खतरनाक कीड़े लगे थे। फिर ये रेड वाले कीड़े भी रिमूव हुए छेद वाले। और छेद वाले कीड़े पर लग रहा है हमारा दवा। और देखिए क्रीम वाला दवा है ये, बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट करता है। और हमारा कार्टून रोने आने के बाद हम लोग टाइमर चला रहे हैं बहुत ही सेफ तरीके से। अब टाइमर चलाने के बाद बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट एनिमेशन डीप क्लीन के साथ हो चुका है। आप लोग देख सकते हो पूरे ही पैर पे देखिए कीड़े लगे हैं बहुत ही खतरनाक वाले। और देखिए हम चिमटी के माध्यम से इसको बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव करेंगे। और हमारा चिमटी देखिए एक एक करके सबको ट्रीटमेंट कर रहा है बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए बहुत सारे चिमटी वाला हमारा फेंक दिया उस कीड़े को। और देखिए ये होल वाला कीड़ा था वो भी निकल चुका है। और ये दूसरा वाला होल वाला कीड़ा ये भी सेफ तरीके से निकला। आगे हमारा चाकू। और देखिए घिनौने टाइप के कीड़े को एक ही बार में निकाला बहुत ही सेफ तरीके से। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा घिनौने टाइप का दिख रहा था, इसको भी सेफ तरीके से निकाल चुका है पूरा का पूरा। तो देखिए हम लोग पूरे ही पैर का ट्रीटमेंट करेंगे बहुत ही औसम तरीके से। औसम तरीके से हम लोगों ने काट रहे हैं, हैंड वाला चाकू आया हमारा। तो देखिए बहुत ही सेफ तरीके से बड़े बड़े घवत वाले कीड़े को निकाला।
और ये भी बहुत ही औसम तरीके से पूरे के पूरे कट चुके हैं। हमारा चाकू आ गया। और ये भी देखिए काफी घिनौने टाइप का कीड़ा था, वो भी निकल चुका है। और ये भी रेड टाइप का कीड़ा था, वो भी निकल गया औसम तरीके से। और ये भी कीड़ा था, वो भी निकल गया बहुत ही औसम तरीके से। आ गया हमारा क्रोमा चाकू। और ये देखिए ब्लैक वाला कीड़ा था, वो भी सेफ तरीके से काटा गया। हम लोग दवा डालेंगे, तो देखिए एक जगह दवाई पड़ चुकी है और दूसरी भी जगह पड़ चुकी है दवा। अब हम लोग कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। तो टाइमर चल चुका है, तो देख सकते हो पूरे ही पैर पे लग गए हैं कीड़े। और देखिए हम लोग चिमटी के माध्यम से कीड़े को रिमूव करेंगे। और ये भी हमारा कीड़ा रिमूव हो चुका है। ब्लैक वाले कीड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे चिमटी के माध्यम से इसे पकड़ के पूरे रिमूव करेंगे आज। और इसके पूरे पैर का हम लोग बहुत ही डीप क्लीनिंग करेंगे। तो देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने ब्लैक वाले कीड़े को निकाल दिया है। अब ये हमारा दूसरा चिमटी आया और ये केचुए वाले कीड़े को पकड़ के रिमूव करेगा। और ये दूसरा वाला केचुए वाला कीड़ा, ये भी देखिए रिमूव हो चुका है। और अब ये लास्ट वाला बचा हुआ है और ये भी देखिए सेफ तरीके से इसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। बहुत ही औसम तरीके से आ गया हमारा चाकू। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने काटा कुछ कीड़े को। और ये वाला भी कीड़ा कट के गिर चुका है। औसम तरीके से आ गया हमारा हैंड वाला चाकू। और देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने काट के रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये देखिए घिनौने टाइप के कीड़े हैं, ये भी बहुत ही सेफ तरीके से कट के पूरे रिमूव हो चुके हैं। और ये देखिए घिनौने टाइप के कीड़े हैं, ये भी सेफ तरीके से पूरे के पूरे कट के रिमूव हुए। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका पूरे के पूरे पैर का। अभी ये भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से ये भी रिमूव हुए। और कुछ कीड़े ये भी रिमूव हुए। अभी ये कुछ वायरस बचे हुए हैं। और ये भी वायरस पूरे के पूरे रिमूव हुए। हम लोग इस पे दवा लगाएंगे। तो देखिए एक जगह दवाई पड़ चुकी है और हम लोग दूसरी जगह भी दवा पड़ चुकी है। पूरे के पूरे हम लोग कॉटन वूल रुई से साफ करेंगे। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। गाइस जैसा आप लोग देख सकते हो इस आदमी के पूरे ही पैर पे हो गए हैं कीड़े। और देखिए हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीके से इसको रिमूव कर रहे हैं, बहुत ही औसम तरीके से।
और ये वाले कीड़े भी थे जो कि केचुए वाले कीड़े थे और रिमूव हुए। और ये भी बहुत ही ज़्यादा घिनौने टाइप के दिख रहे थे कीड़े, वो भी रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। अभी ये हमारा पतला वाला चाकू आया, बहुत ही सेफ और औसत तरीके से काट के गिराया कीड़े को। और ये देखिए घिनौने टाइप के कीड़ा दिख रहा था, इसको भी सेफ तरीके से गिरा चुका है। एंड वाला चाकू हमारा आया। और ये भी घिनौने टाइप का कीड़ा दिख रहा था, वो भी रिमूव हो चुका है एक ही बार में। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू। और देखिए पैर पे लगे हुए बहुत ढेर सारे कीड़े को एक ही बार में ट्रीटमेंट कर लिया। और ये ट्राइफोफोबिया वाले वायरस थे, वो भी रिमूव हो चुके हैं। हैंड वाला हमारा चाकू आया। और ये कुछ वायरस वाले कीड़े को निकाल चुका है एक ही बार में। आगे क्रोमो वाला चाकू हमारा। और ये मक्खी वाले कीड़े थे, वो भी रिमूव हो चुके हैं। और ये मक्खियों के भंडार वाले कीड़े थे, वो भी सेफ तरीके से कट चुके हैं। और ये राइस वाले कीड़े थे, वो भी रिमूव हुए। अभी हमारा चाकू इसको भी काटेगा घिनौने टाइप के कीड़े को। तो देखिए ये भी बहुत ही सेफ तरीके से औसम तरीके से गिर चुका है पूरा का पूरा। हम लोग दवा डालेंगे और एक जगह और दवाई डालेंगे। तो देखिए दूसरी जगह दवा डालने के बाद ही ये ठीक हो पाएगा। तो हम लोग कॉटन वूल रुई से इसे साफ कर देते हैं। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। जैसा आप लोग देख सकते हो पूरे ही पैर पे लग गए हैं कीड़े। और देखिए हम लोग पतले वाले चाकू के माध्यम से कुछ कीड़े को गिराए हम लोग। अभी आ गया दूसरा चाकू हमारा। और हम लोग दो ही पैरों को सेफ तरीके से पूरा डीप क्लीन करेंगे इसका ट्रीटमेंट करके। और ये हमारा पतला वाला चाकू बहुत ही सेफ और आसान तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया। और ये देखिए कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे, ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये होल वाले कीड़े थे जो कि ये सेफ तरीके से कट के गिर चुके हैं। तो पैर का हम लोग पूरा फुल क्लीन ट्रीटमेंट करेंगे आज। तो होल वाले भी कीड़े लग चुके हैं इसके पैर में और उसको भी देखिए रिमूव हम लोग किए। आगे हमारा दूसरा वाला पतला वाला चाकू ये काटेगा। ये देखिए रेड वाले कीड़े को बहुत ही सेफ और औसम तरीके से काट के पूरा निकल गया। और ये भी कुछ कीड़े थे जो कि रिमूव हो चुके हैं।
और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से एक पैर को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया। और ये राइस वाले छोटे छोटे कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। अब ये दूसरा वाला कीड़ा बचा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना टाइप की कीड़ा था और बहुत ही डेंजरस वाला भी। तो हम लोग इस पे स्प्रे का दवा डालेंगे। तो इस जगह दवाई पड़ चुकी है और दूसरी जगह भी, तो इधर भी दवाई पड़ चुकी है और ये हमारा चला गया बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हमारा कॉटन वूल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। लोग देख सकते हो पूरे ही पैरों पर लग गए हैं बहुत ही ज़्यादा घिनौने टाइप के कीड़े जो कि हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका। तो देखिए हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से कीड़े को काटा। तो फाइनली ये वाला भी कीड़ा गिर चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हमारा दूसरा वाला चाकू। और देखिए ये ब्लैक वाले मैंगोट्स को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया एक ही बार में। और ये भी बहुत ही घवद वाले कीड़े थे उसको भी निकाल चुका है एक ही बार में। तो हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से पूरे ही पैर का डीप क्लीन करेंगे आज। तो देखिए बहुत ही औसम तरीके से ये भी कट के गिर चुका है पूरे के पूरे कीड़े। देखिए हमारा क्रोम वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा कुछ कीड़े को। और देखिए ये होल वाले भी कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं एक बार में। और ये रेड वाले कीड़े भी निकल गए एक ही बार में सेफ तरीके से। आगे पतला वाला चाकू। और देखिए इस बड़े वाले कीड़े को एक ही बार में काटा। और ये वाला कीड़ा गिरा। और देखिए ये भी फंगल था ये भी रिमूव हो चुका है एक ही बार में। तो आगे हमारा दवा। तो देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने दवा लगा दिया है। और आगे हमारा कॉटन वूल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। हमारा पैर बढ़िया से ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं।